हमें घर पर ही मौका अच्छे आ जाओ। अरे जल्दी आना यार। अरे मैं सारी रात इसका इंतजार करते बाहर सो गई और ये यहां पर सो रहा है। सलमान उठ तेरा सत्यानाश। ये कौन आ गया? रशीदा ही होगी, इसे चैन नहीं पड़ता। आ रही हूं आ रही हूं। बस कर दो, तोड़ देना क्या गेट। आ रही हूं। अरे क्या उड़ के आ जाऊं? कौन कौन कौन? मैं लोगों को शोर मचा के चलंदर 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 कौन हो तुम? कौन हो? कौन हो? कौन हो तुम? कौन हो तुम? डाकू बिल्कुल खामोश, चुप रहे नाम। मैं मेरे पास तो कुछ भी नहीं। वो हम ढूंढ लेंगे कि क्या है घर में और क्या नहीं है, ठीक है? ये देख रहे हो ना मेरा घर, इसमें तो कोई सामान भी नहीं। ये उतार। चुप। आज भी तो मेरे घर में कुछ। चुप बिल्कुल। सलमान 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 क्या कर रही है वहाँ पर? तुम्हारे राशन मार दो, लेकर जा। सलमान चुप बिल्कुल। चुप बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ चुप बिल्कुल। पैसा किधर है ये बता। ओ मत मारो मेरे बच्चे को, ओ मत मारो। ओ सलमान सलमान, ये अल्लाह मेरी मदद कर मेरे बच्चे को, जो अल्लाह मियां। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह की बांध दिया तेरे बेटे को, बहुत हीरो बन रहा था ना। सलमान सलमान मेरा बच्चा, अल्लाह ऐ अल्लाह। अरे मेरे पास तो कुछ भी नहीं। ये हम तो कह रही थी तुम्हारे पास कुछ नहीं है, अब ठीक है, ये हमारे हो गए। सुनो, अगर हमारा पीछा किया या पुलिस को बताया तो तुम भी जिंदा नहीं रहोगी और तुम्हारा बेटा भी, समझी? ना मुंह बंद रखना, अपने पास रख। गेट क्यों खुला हुआ? साजदा साजदा बोलती क्यों नहीं हो? अरे ओ साजदा दरवाजा क्यों खुला पड़ा है? हाँ मर गई, ये क्या हुआ? ये किसने किया? डाकू इस घर में क्या करने आ गए? यहाँ क्यों उनसे खजाने रखे जो लूटने आ गए? और सलमान कहाँ है? सलमान को भी बंद कर दिया उन्होंने। देखो उसको, आए मेरे बच्चे, इसको देखो, अरे मेरे बच्चे को क्या हो गया? सलमान 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 मेरा बच्चा। ये तो बहुत परेशानी की बात है कि दिन दहाड़े वारदात हो गई। सरदा ये तो बताओ तुम उनको शक्लों से पहचानती हो? हाँ, उन्होंने नकाब नहीं पहना हुआ था लेकिन
मोहल्ले के लड़के नहीं लग रहे थे। मैं तो कहती हूँ कि फौरन पुलिस में रिपोर्ट करवानी चाहिए, लेकिन ये तो बताओ लेकर क्या गए? बस वो जो थोड़ी बहुत मेरी जमा पूंजी थी, और ये देखो मेरी चूड़ियां भी ले गए, मालियां भी ले गए मेरी तो। सलमान मैं तो कहती हूँ फौरन जाओ पुलिस में रिपोर्ट करवाओ। हाँ मैं जाता हूँ पुलिस स्टेशन। ठीक हो जाएगा सब। अम्मी अरे अरे क्या हुआ क्या हुआ बताओ। प्यार ने मुझे घर से निकाल दिया, बच्चे भी रख लिए। पानी लाओ जल्दी से और फिर इनके लिए नाश्ता बना दो। मुझे कुछ नहीं खा रहा, मुझे मेरे बच्चे चाहिए। क्या वकार कोई नया खेल खेलने के लिए सब कुछ कर रहा है? ये सब कुछ वकार ने नहीं किया, ये सहूद ने किया है सब कुछ। सहूद का क्या ताल्लुक? मैं आपको कहती थी ना कि सऊद और इना बहुत लोज है, एक दूसरे को सब कुछ बताते हैं। सऊद ने कहा था इना को कि जाके अपने मियां से मिल लो रेस्टोरेंट के अंदर। मुझे क्या पता था वकार और बच्चों के साथ मैं भी वहां पे चली गई थी। इना समझी कि मैं जानबूझ के गई हूँ वहां पे वकार को लेके, और उसके बाद फोन रिकॉर्डिंग सऊद ने वकार को सुना दी। वकार ने मुझे घर से निकाल दिया, सारे इल्जाम उस पे लगा दिया। अम्मी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, क्या हो रहा है सब कुछ? मुझे मेरे बच्चे चाहिए, मुझे पता है मुझे वकार घर पे नहीं घुसने देगा। सऊद ने मेरे रास्ते में कांटे बिछाए, सऊद मेरा दुश्मन है, सऊद ने सब कुछ किया है। मैं आपको बता रही हूँ मुझे मेरे बच्चे चाहिए। क्या हो गया अम्मा, फोन क्यों नहीं उठा रही? सुनो ये नीचे कौन रो रहा है? मारिया आप ही आई हैं क्या? जी भाभी, मारिया आप यही बहुत रो रही हैं, बहुत परेशान लग रही हैं। अब कोई नया मसला हो गया क्या? हाँ भाभी, लगता तो यही है। मैं कह रही थी कि वकार भाई ने बच्चे छीन कर उन्हें घर से निकाल दिया है। क्या? जी। ओह, तुम एक काम करो ना, तुम नाश्ता बनाओ उनके लिए, लेकिन जाना मत देने, मैं खुद नाश्ता लेकर जाऊंगी उनके लिए। जी भाभी ठीक है, मैं देखती हूँ। मुझे इंटरकॉम कर देना। जी। मारिया, मैं अभी तक बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे सच सच बताओ क्या हुआ है? क्या मतलब है अम्मी, मैं सच सच बताऊँ? हाँ, आपको हमेशा अपनी बेटी ही गलत लगती है, कभी आपने मुझ पर यकीन नहीं किया, ऊपर से सऊद बहना के साथ मिल गया, मेरा घर बर्बाद कर रहे हैं, क्या चाहते हैं आप लोग सब मुझसे? बस बस, सऊद का फोन आ गया। हेलो सऊद। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जान, ये मारिया अभी आपके पास आई है? हाँ सऊद मेरे पास है, लेकिन तुमने वकार को क्या कह दिया कि उसने बच्चे छीन लिए, उसको घर से बाहर निकाल दिया? अम्मा जान झूठ बोल रही हैं, ये मैंने कुछ भी नहीं किया, कसम से सब इन्हीं का किया धरा है। तुम कब से हिना के इतने हमदर्द बन गए कि बहन दुश्मन लगने लगी? अगर ये लोग तुम्हारे इतने ही करीब है तो उनसे कह दो कि बच्चे वापस करें, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अम्मा जान आप भी इनकी बातों पर यकीन कर रही हैं? मैं आपको बता रहा हूँ सारा कसूर इनका है। क्या मतलब कसूर मारिया का है? क्या मतलब है तुम्हारा, जवाब दो मुझे इस बात का। हाँ यही कसूर है कि उसी रेस्टोरेंट में मैं चली गई जहाँ पे हिना अपने मियां से मिलने गई थी। बोलो, मैं तो अपनी फैमिली के साथ अक्सर उसी रेस्टोरेंट में जाती, तुम्हें क्या जरूरत थी मेरी जिंदगी में कांटे बिछाने की? मेरे बच्चे छीन लिए, वो मुझे कभी मेरे बच्चे नहीं देगा, घर में घुसने नहीं देगा। तो कुछ
सर ये कुछ कार्गो कंपनीज के शिपमेंट रेट्स हैं। इनमें सबसे रिलायबल कौन से हैं? सर वर्ल्ड वाइड, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि उनके रेट्स बहुत हाई हैं। उनके हेड या मैनेजर से कोई बात हुई आपकी? जी सर, बातचीत चल रही है, लेकिन फिलहाल वो कंसेशन देने के लिए तैयार नहीं। चलें, आप उनसे निगोशिएट करें, कुछ ही डील क्रैक करने की कोशिश करें, शाम तक अपडेट दें मुझे। ठीक है सर, राइट। हाँ सर, बोलो। फवाद, कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैंने आपके लिए नाश्ता लगाया और आप बगैर नाश्ता किए चले गए? सारा प्लीज बी रियलिस्टिक। इस हकीकत को मानो कि चीजें बदल चुकी हैं। पहले सिर्फ तुम और मैं थे और अब फवाद। लेकिन वक्त के साथ प्रायोरिटीज बदलती हैं, ये बात ध्यान में रखो। क्या मतलब फवाद? सारा, मैं इस वक्त ऑफिस में बहुत बिजी हूँ और मेरी पहली प्रायोरिटी ये प्रोजेक्ट है। घर और नाश्ता नहीं, प्लीज समझने की कोशिश करो यार। मैं बाद में कॉल करता हूँ, बाय। लेकिन वक्त के साथ प्रायोरिटीज बदलती हैं, ये बात ध्यान में रखो।